बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजनेस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ताहिर राजपूत। तो आज की इस वीडियो के अंदर स्पेशली ये जो वीडियो है हम डिस्कस करेंगे अबाउट नेशनल सेविंग इन्वेस्टमेंट, मिजान बैंक इन्वेस्टमेंट्स के, इनमें कौन से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर है और कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स में कितना प्रॉफिट आप लोगों को मिलता है और क्या चीज़ें हैं जो मार्केट में झूठी फैलाई जाती हैं और क्या चीज़ें हैं जो हकीकत से जिन चीज़ों का कुछ ना कुछ ताल्लुक मौजूद है, तो वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सिंपल और सादा अल्फाज में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो हमारे चैनल के ऊपर हम डिफरेंट चीज़ों की डिस्कशंस करते हैं, जिसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया, क्रिप्टो ट्रेडिंग हो गया, पाकिस्तान मर्चेंटाइल एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट, उसके अलावा नेशनल सेविंग इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स में आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें मैं इस चैनल पर डिस्कस करता रहता हूँ। देखें, अगर आप नेशनल सेविंग और मिजान बैंक की अगर मैं बात करूँ कहाँ प्रॉफिट ज़्यादा है, तो सिंपल ऑटोमेटिकली मैं आपको बोलूँगा कि नेशनल सेविंग में प्रॉफिट ज़्यादा है। मिजान बैंक की जहाँ तक मैं बात करूँ, मिजान बैंक में तीन किस्म की इन्वेस्टमेंट्स होती है, एक लो रिस्क है, उसके अलावा एक हाई रिस्क इन्वेस्ट। फॉरेक्स अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं मिजान बैंक के, तो वहाँ पे आपकी अमाउंट बहुत ज़्यादा रिस्क में रहती है, आपका मेन कैपिटल ज़ाया होने के बहुत ज़्यादा खतरात हैं। उसकी वजह क्या है, देखें फॉरेक्स की जहाँ तक मैं बात करूँ, फॉरेक्स हाई वोलेटाइल मार्केट है, जहाँ पे मतलब कि एक आलमी मंडी होने के नाते $6 ट्रिलियन की ये मार्केट है। तो वहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैक्सिमम लोग जिनसे मेरे रवाबित हुए हैं, जिनसे रबते हुए हैं मेरे, तो वो यही बात कहते हैं कि सर हमने मिजान बैंक की हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा लॉस किया है। दूसरी बात आ जाती है, जैसे कि आपने थंबनेल देखा कि मिजान बैंक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ₹16,000 तक का प्रॉफिट मिल सकता है। ये मुदारबा अकाउंट है, मुदारबा का जो सर्टिफिकेट्स है, मुदारबा अकाउंट जो है मिजान बैंक का, यहाँ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ आपको अच्छी प्रॉफिट रेशियो दी जा सकती है। ये आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी ऑटोमेटिकली चेक कर सकते हैं। नेशनल सेविंग के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट दी जाती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.08% के करीब है, और वो तीन या चार सर्टिफिकेट्स हैं जिनमें दी जाती है, जिसमें शोधा वेलफेयर सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गया, उसके अलावा पेंशनर सर्टिफिकेट्स हो गया, और बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गया। ये तीन ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जहाँ पे आपको जो प्रॉफिट है 1% से अबव दी जाती है। मतलब कि अगर आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे आएगा, 10 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 10,000 से ऊपर का प्रॉफिट आपको यहाँ से आ सकता है। और ये अकाउंट्स जो हैं ये कुछ स्पेशल पर्सन के लिए, जैसे कि पेंशनर सेविंग सर्टिफिकेट है तो वो आप लोगों को पता है कि पेंशनर वाले हजरात के लिए, उसके अलावा जो है बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट्स वो बेवा खवातीन के लिए है, शोधा वेलफेयर सेविंग अकाउंट ये शोधा की फैमिलीज के लिए बनाया गया है। मिजान बैंक के अंदर कितना एक्यूरेट प्रॉफिट आप लोगों को मिलता है, मिजान बैंक में आपके अंदर 0.53% के करीब आपको प्रॉफिट मिलता है डिफरेंट उनके अंदर, बिल्कुल लो रिस्क में अगर आप इन्वेस्ट कर दें 0.53%। मैं सादा अल्फाज में बताऊं तो 1 लाख पे ₹550 से लेके ₹630 तक आपको प्रॉफिट मिलना है, इससे ज्यादा प्रॉफिट आपको मिजान बैंक नहीं देता है। देखें बैंक्स में अगर आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो बैंक को अपने सिस्टम को भी चलाना होता है, जब उसको अपने सिस्टम को चलाना है तो उन्हें अमाउंट चाहिए, और वो तमाम अमाउंट आपके अमाउंट से ही जनरेट करते हैं, डिफरेंट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और डिफरेंट क्राइटेरियाज के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट जनरेट करते हैं। अगर आप रूट्स रूट्स का मैं हर वीडियो में डिस्कस करता हूँ कि रूट्स क्या है, रूट्स रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स है जो हमारा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हम लीगल वे में आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहां पे आप प्रॉफिट 1% से 3% तक मंथली ले सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स आप 3 लाख रुपए कर सकते हैं, मैक्सिमम 10 लाख 20 लाख जितने करना चाहे कर सकते हैं। ये तमाम जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती है ये हम रेडीमेड प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि जिस तरीके से बैरियटॉन की कुछ इन्वेंट्री हम बाय कर लेते हैं जो 100% क्लियर होती है, जिसमें डाउट्स नहीं होते, जिसके एनओसीज के प्रॉब्लम्स नहीं होते, या कराची लाहौर इस्लामाबाद में कुछ प्लॉट्स होते हैं उन पे हम डेवलपमेंट करते हैं, उससे जो प्रॉफिट आती है उस प्रॉफिट से हम कस्टमर को भी डील करते हैं और प्रॉफिट जनरेट भी कर रहे होते हैं। इसमें आप यूनिट अपना बाय कर सकते हैं, एक यूनिट जो है हाफ यूनिट हमारा 1.5 लाख रुपए का है, 1 यूनिट हमारा 3 लाख रुपए का है, 2 यूनिट बाय करते हैं 6 लाख रुपए में बाय कर सकते हैं, जितने यूनिट्स आप चाहें हमारे थ्रू बाय कर सकते हैं और मंथली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसमें आप सिस्टम के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, और रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स में देखें रियल स्टेट में 1%, 2%, 3% प्रॉफिट पॉसिबल है, लेकिन एक वे के थ्रू पॉसिबल है, मतलब एक टाइम लिमिट्स होती है, उस टाइम लिमिट्स में ये पॉसिबल है। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी और आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि नेशनल सेविंग में ज्यादा प्रॉफिट है या बैंक्स में ज्यादा प्रॉफिट है। और मिजान बैंक इन्वेस्टमेंट्स पर मैं डिफरेंट वीडियोस बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, आप वैसे भी उनको जाके देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।